हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अबाउट सिमिलर मैट्राइसिस। ओके, सिमिलर मैट्राइसिस क्या होते हैं? वो मैट्राइसिस होते हैं जिनका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल सेम होता है, और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल के जो रूट्स होते हैं वो होते हैं आइगन वैल्यूज। अब क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल ही सेम है तो उनके डेफिनेटली सेम आइगन वैल्यूज होंगे। ओके राइट, अब हम सेम आइगन वैक्टर्स नहीं कहेंगे क्योंकि दैट डिपेंड्स ऑन द मैट्रिक्स ए। अगर तो आइगन वैल्यूज तो सेम होंगे पर आइगन वैक्टर्स का हम कह नहीं सकते। तो हमें इसकी जो मिलता है इक्वेशन वो है ए इक्वल टू पी बी इंटू पी इनवर्स। ओके, फॉर सम बी एंड अब इन्वर्टेबल मैट्रिक्स पी। अगर हम एक मैट्रिक्स ए को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लें पी बी पी इनवर्स, तो जो ए और बी है वो सिमिलर मैट्राइसेस होते हैं। और इसका एग्जांपल है कि लेट्स से ए इज दिस मैट्रिक्स, राइट? तो लैम्डा इक्वल टू 2, लैम्डा इक्वल टू -1, ये दो हमने इसके आइगन वैल्यूज निकाले थे इन द प्रीवियस वीडियो ऑफ आइगन वेक्टर एंड आइगन वैल्यूज इन दिस प्लेलिस्ट, राइट? और वो मिलते हैं v1, उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स ये दिए हुए हैं 1 0 और -1 3, राइट? तो बी जो है, बी इज बेसिकली हियर द डायगनल मैट्रिक्स ऑफ द आइगन वैल्यूज। तो लैम्डा 2 पुट किया, लैम्डा -1 पुट किया, और पी क्या है? उन आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग के आइगन वेक्टर्स। 2 जो आइगन वैल्यू है, ओके, उसके करस्पॉन्डिंग क्या है? 1 0 है, तो 1 0 पुट किया। -1 जो इधर आइगन वैल्यू है उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या है? -1 3, -1 3 पुट किया, राइट? सिमिलरली पी इनवर्स निकाला, पी इनवर्स क्या होता है? 1, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है फॉर अ 2x2 मैट्रिक्स? 1 by dead p, ये दोनों को इंटरचेंज कर लो और इन दोनों को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 3 इधर 3 1 हो गया, 0 और -1 0 और 1 हो गया, तो ये आता है मैट्रिक्स 1 0 1 by 3 1 by 3, राइट? और बेसिकली इस तरह हम सिमिलर मैट्रिक्स का कंसेप्ट पढ़ते हैं। और उसके अलावा फॉर एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, सपोज ए, अगर उसके आइगन वैल्यूज λ1 λ2 एंड सो ऑन है, तो इट्स डिटर्मिनेंट इज एक्चुअली द कंटिन्यूस प्रोडक्ट ऑफ द λi, वेयर आई इज़ फ्रॉम 1 to n, और यू कैन मतलब जो भी जितने भी आइगन वैक्टर्स हैं बेसिकली वो, ओके, सॉरी आइगन वैल्यूज हैं उनकी वैल्यूज का कंटिन्यूस प्रोडक्ट, राइट? तो और जो ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स ए है, दैट इज द सिग्मा ऑफ λi, ओके, और i जो भी सूटेबल इसके लिए 1 2, सो जो भी, ओके, जो जैसे n क्रॉस n है तो वो n हो गया, राइट? तो दैट बिकम्स द ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल लर्निंग विद आशुतोष। थैंक यू सो मच।